ठीक है, ठीक है बाबू। देखो कंसेप्ट ऑफ ग्राफ क्या कहता है बाबू, ठीक है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट है। जैसे मान लो बाबू आपको कहीं लोकेट करना है, ठीक है, जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है ना बाबू, तो आपका घर है बाबू, आपका घर अगर है, आप शांति से सुनो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, आसान एकदम आसान बच्चा वाला टॉपिक है, ठीक है ना, सेकंड क्लास का चीज है, आप लोग सिक्स में हो, सेकंड क्लास का चीज है बाबू, सिक्स में पढ़ रहे हो, हमको बहुत शर्म आ रहा पढ़ाने में। देखो बाबू क्या है, जैसे मान लो आपका घर है बाबू, है ना, ठीक है, घर है सर, स्कूल है सर, ठीक है कि नहीं हो सकता बाबू, हाँ सर हो सकता सर, है ना, ठीक है, ठीक है, तो घर है बाबू, तो घर आपका है बाबू, तो आप कहते हो ना, जैसे आपसे कोई पूछा आपका घर कहाँ है ना, तो कहते मेरा घर पटना में, तो पटना में कहाँ पे है, पटना में कहाँ पे बाबू, एक एक क्या करते हो उसका लोकेशन डिफाइन करते हो, है ना बाबू, एक लोकेशन डिफाइन करते हो, जैसे मान लो कि आपका घर है तो कोई सिनेमा हॉल के बगल में है ना बाबू, सिनेमा हॉल के बगल में है ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हो, हर एक घर का अपना क्या होता है, एक लोकेशन होता है, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, जैसे बाबू आपको आगो अगर बाबू लिया जाए तो हमारे पास कितने डायरेक्शन है बाबू, हाउ मेनी डायरेक्शन बाबू, वी हैव कितने डायरेक्शन है, चार डायरेक्शन है ना बाबू, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सियोना कितने डायरेक्शन है बाबू, चार डायरेक्शन है सियोना, यस सर, हाँ बाबू, तो इधर कौन सा डायरेक्शन होता है बताइए, तो इधर कौन सा ईस्ट होता है कि वेस्ट होता है, इधर ईस्ट ईस्ट ईस्ट, और ऊपर में बाबू नॉर्थ नॉर्थ, इधर वेस्ट वेस्ट, नीचे साउथ होता है ना, होता है ना, ठीक है सर। तो जैसे मान लो कि आपका घर लोकेट करना, तो घर लोकेट करना तो कहते हैं ना बाबू कि मेरा जो घर है सर वो ईस्ट डायरेक्शन में है ना, मेरा घर किधर है बाबू, ईस्ट डायरेक्शन में है ना, तो ये डायरेक्शन क्या बाबू, ये डायरेक्शन जो ईस्ट बोल रहे हो, ईस्ट ईस्ट बोल रहे हो, ये क्या है डायरेक्शन है ना, जैसे मान लो यहाँ अब जैसे आप यहाँ खड़ा हो, ठीक है ना, आप कोई बोलेगा कहाँ हम आए जी, जैसे हाँ, तो नहीं कहते हो कि 10 मीटर 10 मीटर आगे ईस्ट बढ़ो या 10 मीटर वेस्ट बढ़ो या 10 मीटर नॉर्थ बढ़ो चाहे 10 मीटर साउथ बढ़ो, तो एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दो ना बाबू, मतलब क्या अपने घर का एक लोकेशन स्पेसिफाई कर दो, लोकेशन स्पेसिफाई कर दो है ना, तो ये क्या बाबू लोकेशन, ठीक है, ये क्या है मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना, कि किसी भी चीज का बाबू पोजीशन डिफाइन करते हो उसके डायरेक्शन से, किसी भी चीज का बाबू घर का रहे बिल्डिंग का रहे किसी भी चीज का बाबू उसका पोजीशन कैसे डिफाइन करते हो उसके डायरेक्शन से, ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स में बाबू मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसा कंसेप्ट लाया गया बाबू, ऐसा कंसेप्ट लाया गया, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास वैल्यू है 3 या 4 है, अब इसको कहेगा बाबू एक मैंने प्रॉपर एक एक्सिस पे डिफाइन करो, इसको एक एक्सिस पे डिफाइन करो है ना बाबू, तो उसी उसी एक्सिस पे डिफाइन करने के लिए ग्राफ के कंसेप्ट को लाया गया, ग्राफ के कंसेप्ट को लाया गया है ना, जैसे मान लो बाबू 3 है 4 है, तो इसको कहाँ हम लोग, लेकिन अभी तक आप लोग क्या पढ़े हो, 3 पढ़े हो 4 पढ़े हो ऐसे पढ़े हो, मैंने 343 पढ़े हो, तो एक नॉर्मल वैल्यू पढ़ो, अब इसको चाहते हैं हमको लोकेट करना, कहीं लोकेट करना है ना बाबू, स्पेस में कहीं लोकेट करना चाहते हैं ना, लोकेट करना चाहते हैं कि ना, तो उसको हम लोग लोकेट कैसे करेंगे बाबू, ग्राफ के थ्रू लोकेट करेंगे, ग्राफ के थ्रू लोकेट करेंगे, ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, तो इसी तरह बाबू, ठीक है ना, इसी तरह बाबू ग्राफ में भी इसी तरह से 4 लाइन लिया गया, 2 लाइन लिया गया, 2 लाइन लिया, एक हॉरिजेंटल लाइन, ये बाबू क्या हॉरिजेंटल, इसको हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन कहेंगे ना, तो बाबू आपको अभी नया नया टर्म सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीखो चुपचाप शांति से, है ना, अब इसमें सारे बच्चे लगभग ठीक ठाक है बाबू, है ना, तो क्लास थोड़ा तेजी से चलेगा है ना, ठीक है बाबू, तो इधर बाबू क्या होंगे, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, हॉरिजेंटल क्या होता है बाबू, जो प्लेन लाइन होता है ना, प्लेन लाइन होता है ना बाबू, ठीक है ना, और जो इससे क्या बाबू डिग्री जानती हो बाबू, सेना बाबू डिग्री का नाम सुनी हो कभी, डिग्री बाबू, हाँ प्रोटेक्टर देखिए बाबू, प्रोटेक्टर देखी हो सेना, अब इसमें सबसे आखिर, हाँ बाबू ये क्या है प्रोटेक्टर है बाबू, ये प्रोटेक्टर है ना, हाँ सर, तो यहाँ पे क्या रहता है, 0 डिग्री रहता है सर, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 10 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, और यहाँ जो सबसे वर्टिकल होता है वो ये 90 डिग्री होता है ना, फिर 100, 120, 120 है ना, तो ये प्रोटेक्टर है बाबू, है ना, ठीक है सर, ठीक है, तो जो बाबू 0 डिग्री लाइन होगा, जो शैतान मेरे 0 डिग्री लाइन होगा, प्रोटेक्टर को रखो, ये 0, ये पूरा का पूरा लाइन 0 डिग्री होता, तो जो 0 डिग्री लाइन होगी बाबू उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, लिखाएंगे सब लिखाएंगे, उसको क्या कहेंगे बाबू, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन कहें, है ना, ठीक है सर, अब यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, प्रोटेक्टर तो नहीं, मान लो इसको उठा के यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ से बाबू जो 90 डिग्री लाइन बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा बाबू, है ना, अरे प्रोटेक्टर लाओ ना इसको, यहाँ पे उठाओ ना हॉरिजेंटल से, तो देखो प्रोटेक्टर को इसे लाओगे यहाँ से उठाना, तो एक वर्टिकल लाइन ऐसे बनाएगा प्रोटेक्टर बाबू, आप लोग के पास होगा ना, नहीं समझ में आएगा पूछेगा, समझ में आ रहा है नारायण, नारायण यस सर, तो समझ रहा है, हाँ बाबू, तो प्रोटेक्टर नहीं तो शर्मा जी, समझ में आ रहा बाबू, प्रोटेक्टर अभी तक आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, जिंदगी इसी तरह रह गया चलिए ठीक है, क्या क्या बोल रहे हो आरन बाबू, जो आपने नीचे 343 लिखा समझ
हाँ चले ठीक है आया ठीक हो। तो ये जो बाबू प्रोटेक्टर को रखोगे जिस प्लेन पर वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे ठीक है, और 90 डिग्री ड्रा करना प्रोटेक्टर को, यहाँ लगा 90 डिग्री ऐसे लाइन ड्रा कर दो ठीक है बाबू। तो ये जो लाइन बनेंगे बाबू ये क्या कहलाएंगे, वर्टिकल लाइन कहलाएंगे। क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन कहें। 90 डिग्री पे जो लाइन होता है बाबू इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। 90 डिग्री को क्या कहते हैं बाबू, वर्टिकल कहते हैं। ये नया नया वर्ड है सीखने को मिलेगा, इसी को दो नाम कैसे सियोना को सब सनी सनी भी बुला देगा ठीक है ना। तो उसी तरह बाबू वर्टिकल लाइन है, या इसी को हम लोग और एक नाम है, और एक नाम है ठीक है ना, इसी को क्या कहेंगे बाबू, परपेंडिकुलर। सब बताएंगे लिखाएंगे, क्या कहेंगे बाबू, परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे बाबू, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन। क्या बाबू ठीक है बाबू, ठीक है सर। तो बाबू देखो घर, घर को बाबू आपको घर का अपना लोकेशन डिफाइन करना बाबू, पोजीशन डिफाइन करना। तो उसके लिए क्या, उसके लिए डायरेक्शन लाया गया, डायरेक्शन लाया गया बाबू, ईस्ट नॉर्थ एंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना। तो उसी तरह से बाबू मैथ में, बाबू मैथ में किसी भी वैल्यू को बाबू, जैसे 3-4 हो गया या कुछ वैल्यू हो गया और कुछ वैल्यू हो गया 10-3 हो गया, तो उसको लोकेट करने के लिए बाबू, लोकेट करने के लिए एक्सिस लाया गया, एक्सिस लाया गया ठीक है ना, ठीक है ना बाबू, एक्सिस लाया गया ठीक है, ठीक है सर। तो उसी एक्सिस को बाबू हम लोग ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे, उसी एक्सिस को कैसे पढ़ेंगे, ग्राफ के थ्रू ठीक है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, थोड़ा सा समझो, अब थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ ग्राफ समझो है ना बाबू, ठीक है सर। तो कंसेप्ट ऑफ ग्राफ कुछ नहीं है, जो रियल लाइफ में घर का पोजीशन बताता है बाबू, उसी को हमको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना मैथ में, मैथ में है ना, ठीक है, ठीक है सर। देखिए बाबू कंसेप्ट ऑफ ग्राफ क्या कहता है, पहले आपको बाबू एकदम आपको सभी स्टूडेंट के लिए नया टॉपिक है, पुराने स्टूडेंट हो नए स्टूडेंट सभी के लिए नया टॉपिक है ना, सभी के लिए नया टॉपिक फ्रेश है बाबू है ना, ठीक है सर। अब मन से पढ़ना, मन से पढ़ना ठीक है। देखो बाबू क्या है, जैसे हमारे पास बाबू क्या है, जैसे हमारे पास डायरेक्शन है बाबू, इधर ईस्ट है सर, इधर वेस्ट है सर, ऊपर नॉर्थ है सर और नीचे साउथ है, यही है ना, ठीक है सर। तो ये तो बाबू रियल लाइफ मैथमेटिक्स में क्या क्या है, वो ये वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन है, तो मैथमेटिक्स में भी एक वर्टिकल लाइन लिया गया ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बाबू, ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है तो मैथमेटिक्स में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया गया ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट बाबू ये क्या वर्टिकल लाइन है, तो प्रोटेक्टर यहाँ पे रखो बाबू, इसे 90 डिग्री पे ड्रा कर दो, 90 डिग्री पे क्या करो बाबू, ड्रा कर दो। प्रोटेक्टर बनाए थे बाबू, एक बार बनाए थे, चलो आप लोग समझो ना, नहीं आप लोग के पास तो प्रोटेक्टर निकाल के देखिए ठीक है ना, यहाँ प्रोटेक्टर रखो, 90 डिग्री ड्रा करो ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। तो इस चीज में कोई अंतर नहीं है, इसमें अभी तक कोई अंतर नहीं, ठीक है, ठीक है सर। शांति से समझिए, बाद में लिख लीजिएगा सुनो ना, पहले सुन लीजिए ना, कहानी सुनिए ना बाबू, ठीक है सर। इतना हो गया, दो लाइन ड्रा कर लोगे बाबू, ठीक है, ठीक है सर। तो ये जहाँ पे कट करेंगे बाबू, जहाँ पे कट सर, करेंगे सर, मेरा चलिए ठीक है, जहाँ पे कट करेंगे बाबू, जहाँ पे कट करेंगे, संजना नहीं आई, नहीं आई, वो शैतान उसी बैच में रह जाएगी लगता है। हेलो, हाँ बाबू सुन रहे हैं, अरे शैतान कुछ नहीं किया सर, 5 मिनट पहले तक आप क्या पढ़ाया सर, फिर से रिपीट कर दीजिए सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बाबू, आप ऐसे क्यों करते हो, कुछ नहीं बताया बाबू, जैसे इधर मेरा ईस्ट डायरेक्शन है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है ठीक है ना। तो इसी पर सिमिलरली इसी प्रकार बाबू, जैसे आपके घर के लोकेशन को लोकेट करना बाबू, तो उसके लिए कहो ना कि मेरा घर इस डायरेक्शन में चाहे नॉर्थ डायरेक्शन में चाहे साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो रियल लाइफ हो गया। अब मैथ में बाबू कुछ वैल्यू होते हैं, मैथ में जैसे मान लो कोई वैल्यू है, जैसे 3-4 हो गया, 10-3 हो गया, तो इसको बाबू हम लोग ग्राफ के द्वारा लोकेट करते हैं बाबू, ग्राफ के द्वारा इसका पोजीशन बताते हैं ना, पोजीशन बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, तो पहले ये समझो ग्राफ है क्या चीज बाबू है ना। तो क्या किया गया बाबू, जैसे यहाँ पे क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसी तरह बाबू जैसे हम लोग डायरेक्शन का, तो उसी तरह वही कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यहाँ से बाबू क्या बनाएंगे, एक 90 डिग्री पे बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन कहेंगे ठीक है सर। ये आपके क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हो जाएंगे बाबू, हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक है, ठीक है सर। और ये जो 90 डिग्री पे बाबू, ये जो 90 डिग्री पे लाइन है प्रोटेक्टर की सहायता से बनाओगे, प्रोटेक्टर की सहायता से बनाओगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वर्टिकल लाइन कहेंगे ठीक है। ये हो गया वर्टिकल लाइन, शांति से पढ़िए ठीक है, ठीक है सर। अब समझो आप लोग समझिए बाबू ठीक है, इसको इरेज करते हैं बाबू, बड़ा बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हौच पौच हो जाएगा, बहुत सारे चीज इसमें बताना रहता है ठीक है। तो इसी लाइन को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं बाबू, आप लोग भी बड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलो अच्छी बात है ना। ये जो लाइन बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इकट्ठे बाबू पहले समझ लो बाबू, उसके बाद लिख लेना, उसके बाद लिख लेना, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया है ना
ठीक है सर, ठीक है बाबू, ये 90 डिग्री पे है ना बाबू, ये 90 डिग्री पे है, तो ये लाइन कहो चाहिए, ये लाइन एक ही लाइन, ये सिंगल एक ही लाइन है, टोटल का टोटल एक ही लाइन है ना, तो ये क्या हो गया बाबू, वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है, क्या हो गया बाबू, वर्टिकल लाइन हो गया है ना, शांति से समझ लो, लिखने का टाइम देंगे लिखना है ना, ठीक है सर। यहाँ बाबू ये ईस्ट डायरेक्शन है ना, ईस्ट डायरेक्शन है बाबू, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में क्या कहा गया, मैथमेटिक्स में इधर को क्या कहा गया बाबू, इधर को कहा गया एक्स एक्सिस, इसको क्या कहा गया बाबू, एक्स एक्सिस कहा गया, ठीक है, मैथमेटिक्स में इस डायरेक्शन को क्या कहा गया बाबू, एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है सर, आप समझो पहले समझ लो पहले समझ लो बाबू, उसके बाद लिखना है ना, ठीक है, आप लोग 5-6 स्टूडेंट हो बाबू, ज्यादा तो हो नहीं, होम ट्यूशन की तरह चलेगा क्लास आप लोग का, ठीक है, चलिए अच्छी बात है ना बाबू, ठीक है। अब बाबू देखो ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, तो कहीं पे तो कट करेगा ना बाबू, कहीं पे कट करेगा ना, हाँ सर कट करेगा, तो जहां पे कट करता बाबू उसका नाम है, उसका नाम है बाबू, एक इधर लाइन एक इधर लाइन, जहां पे कट करे बाबू उसका नाम है, उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, क्या कहते हैं बाबू, ओरिजिन कहते हैं, जहां पे कट किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं ना, ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए, शर्मा जी समझ में आ रहा है, शर्मा सियोना बाबू आपको, यस सर, चलिए ठीक है, ठीक है, और हाँ बाबू बोलिए आनंद सर, बोलिए ना सर, बोल रहा था कि आप ओरिजिन का स्पेलिंग गलत लिखे हैं, और वहाँ पे ओ नहीं होगा, ओ आ रहा है बाबू, ओ नहीं होगा सर, ओ आ रहा है सर, सही है स्पेलिंग, ओ नहीं होता सर, अच्छा ठीक है देख लीजिए गूगल कर लीजिए बाबू, होता है ठीक है ना, वो ओरिजिन दूसरा है बाबू, वो ओरिजिन दूसरा, ये ओरिजिन दूसरा, वो ओरिजिन में तो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना बाबू, वो ओरिजिन दूसरा, ये ओरिजिन दूसरा है, ठीक है ना, चलिए ठीक है, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, ठीक है चलो ठीक है, अब बाबू ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया ना बाबू, तो अकेले मेरा पढ़ा रहे मॉर्निंग, ओरिजिन के जो राइट साइड होंगे बाबू, ओरिजिन के जो राइट साइड होंगे, ठीक है, तो इधर के सारे वैल्यू क्या होगा बाबू, पॉजिटिव वैल्यू होगा, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये x एक्सिस है, माइनस मत समझ लेना, ये क्या बाबू x एक्सिस है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे इधर डायरेक्शन को, इधर इस डायरेक्शन को जो भी होगा वो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन से बाबू राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड बाबू, ओरिजिन से राइट साइड जो भी वैल्यू होगा इसको कौन सा एक्सिस कहेंगे, x एक्सिस के साथ इसी को कहते हैं बाबू पॉजिटिव x एक्सिस, शांति से सुनो, इसको क्या कहेंगे बाबू, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, है ना बाबू, इसको प्लस एक्स एक्सिस भी कर सकते हो बाबू, इसको क्या कर सकते हो, प्लस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है सर, जैसे इधर ईस्ट है ना बाबू, तो मैथ में इसको क्या ले लिया गया, एक्स एक्सिस ले गया है ना, ठीक है सर, ठीक है, इधर वेस्ट लिया गया बाबू, तो ओरिजिन के ये लेफ्ट साइड है ना बाबू, लेफ्ट साइड है, तो इसको क्या कहा गया बाबू, निगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस बाबू, और यहाँ पे कंफ्यूजन मत कर देना, ये माइनस है, यहाँ पे ये हाइफन है, ठीक है ना, माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बाबू, या इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, निगेटिव एक्स एक्सिस, क्या कहेंगे शैतान मेरे, निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, एकदम शांति से समझो बाबू, निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है सर, ठीक है, उसी प्रकार ऊपर डायरेक्शन क्या बाबू, नॉर्थ है, तो मैथ में बाबू ऊपर के डायरेक्ट ऊपर एक्सिस को क्या लिया गया बाबू, पॉजिटिव बाई, ओरिजिन के बाबू ऊपर क्या लिया गया, ये प्लस बाई एक्सिस, क्या बाबू, प्लस बाई एक्सिस, तो इसको हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे बाबू, पॉजिटिव बाई एक्सिस, कैसे पढ़ेंगे शैतान मेरे, ऊपर हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, पॉजिटिव बाई एक्सिस, सर क्या बाबू, तब जो लिखवा रहे उसका शॉर्ट स्क्रीन भी डाल दीजिएगा, अच्छा ठीक है, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बाई एक्सिस है ना, ठीक है सर ओरिजिन के नीचे बाबू, ओरिजिन के नीचे बाबू क्या, इसको माइनस बाई एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, माइनस बाई एक्सिस, क्या कहेंगे बाबू, माइनस बाई एक्सिस कहेंगे ना, माइनस बाई एक्सिस कहेंगे, तो ओरिजिन के जो नीचे भाई बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनस बाई एक्सिस का हो, चाहे क्या कहो, निगेटिव बाई एक्सिस, क्या कहो सकता है, निगेटिव बाई एक्सिस का, ठीक है, निगेटिव बाई एक्सिस, ठीक है सर बाबू, इतना आप लोग राइट डाउन कीजिए बाबू, हम आते हैं ग्राफ लेके, ठीक है बाबू, हम ग्राफ लेके आ रहे हैं, ग्राफ मार्केट से खरीद के लाए, कर लिए बाबू, तो सभी को लिखने दीजिए, ग्राफ लेके आए थे, पता नहीं कहाँ रख दिए बाबू, रूम में पे रह गया लगता, लिखिए जल्दी से, आ रहे हैं ग्राफ लेके बाबू,
हो गया राइट ऑन बाबू। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है बाबू, अब देखो क्या किया जाता बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अब ये तो इतना हो गया, इसको पॉजिटिव एक्सिस, इसको नेगेटिव एक्सिस, ये एक्सिस है ना। ये जो ये बाबू क्या एक ब्लॉक है ना, यहाँ पे बाबू नॉर्थ और साउथ है ना बाबू। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू, इसके इकट्ठे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना बाबू, ये एक एक ब्लॉक ये हो गया सर, है ना। दूसरा ये हो गया, एक ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या पढ़ेंगे बाबू, कोई भी एलिमेंट इसमें जो भी वैल्यू रहेंगे उसको क्या कहेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अरे पूरा का पूरा फोर्थ है ना बाबू, क्वाड्रेंट मैंने क्या होता है, फोर्थ चार होता है ना, तो उसमें ये बाबू क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। ठीक है सर, ठीक है बाबू, ठीक है सर। और इधर से पढ़ना, इसको सेकंड मत करना, इधर आना बाबू। तो ये आपका कौन सा बाबू, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हो गया सेकंड, सेकंड हो गया बाबू, क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ठीक है सर। ये कौन से हो जाएंगे बाबू, थर्ड हो जाएंगे। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रूम रोटेट करना है ना, ये क्या हो जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे बाबू, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे शैतान, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ये फोर्थ हो गया बाबू, इस तरह से लिख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, लिखिए, बहुत चीज सारे बताने रहते बाबू, ये सब बेसिक चीज है, ग्राफ का बेसिक चीज है जो आपको जानना चाहिए ना बाबू। समझ में आ रहा प्रकाश सिंह? अच्छा सर, तो ऊपर में ईस्ट हो जाएंगे बाबू, ये वेस्ट हो जाएंगे, ऊपर नॉर्थ हो जाएंगे, नीचे साउथ। इसको रेफरेंस ले सकते बाबू, है ना, रेफरेंस ले सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया सर। नारायण जी, समझ में आ रहा नारायण? यस सर। हाँ बाबू, चलिए ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब बाबू देखो, कोई भी पॉइंट लोकेट करना बाबू, तो ये क्या हो गया, इधर 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 पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, मतलब इसमें बाबू क्या होंगे, इसमें सारे इधर वैल्यू पढ़ेंगे तो एक्स का पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ऊपर जाएंगे बाबू तो वाई का पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो इसमें जो दोनों वैल्यू होंगे बाबू, एक्स का वैल्यू यहाँ पे बाबू, x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाबू, यहाँ x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है सर, तो ये x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस, अब y पॉजिटिव y एक्सिस के द्वारा जो बना हुआ है एरिया बाबू, यही क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसमें बाबू क्या होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे बाबू। इसमें क्या होंगे बाबू, दोनों पॉजिटिव, मतलब क्या सर, x की वैल्यू पॉजिटिव होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना बाबू। कौन ऐसे कर रहा बाबू, कौन कर रहा, इसमें बाबू क्या होंगे, x के भी वैल्यू पॉजिटिव होंगे और y के भी वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना बाबू। ठीक है सर, अब हमेशा ध्यान देना बाबू, हमेशा ध्यान देना, कहीं भी बाबू ब्रैकेट के अंदर दो गो ऐसे करके लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान देना बाबू, एक कंसेप्ट करके कहाँ लिखे, नोट करके लिखाना पड़ेगा बाबू। देखो उसके बाद उसको बताते हैं, एक यहाँ नोट करके लिखते हैं बाबू, नोट करके लिखते हैं ना शैतान, कहीं भी बाबू इस तरह से अगर आपको रिप्रेजेंट किया हो, जैसे थ्री फोर रिप्रेजेंट किया ब्रैकेट के अंदर, है ना, तो ये क्या बताता बाबू, ये कोऑर्डिनेट वैल्यू बताता है हमेशा बाबू। आज के बाद जब भी ऐसे देखो, सियोना क्या कर रही बाबू, बाद में लिख लेना सियोना, बाद में लिख लेना बाबू, बाद में लिख लीजिएगा ना बाबू। जब भी बाबू किसी ब्रैकेट के अंदर दो नंबर इस तरह से रहे, थ्री रहे, कॉमा रहे, फोर रहे, है ना, तो ये बताता बाबू, ये बताता कोऑर्डिनेट वैल्यू को बताता, मतलब जो फर्स्ट वाला होता बाबू ऑलवेज एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड बाबू ऑलवेज वाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जो फर्स्ट होगा ना बाबू ब्रैकेट के अंदर, जो पहला नंबर होगा, फर्स्ट नंबर होगा, ये एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है सर, माइनस मत समझना शैतान, एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और ये जो होगा बाबू ये हमेशा सेकंड वाला बाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा।
बाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, बाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा ऐसा, माने कोऑर्डिनेट में वो लोकेशन को बताया जाता है, ठीक है ना। जिससे मान लो कहीं पे माने मैथमेटिक्स में वो 3-4 को लोकेट करना ग्राफ पे, तो कैसे लोकेट करोगे, तो बताएंगे कैसे लोकेट करोगे। पहले ये समझो कोई भी ग्राफ में ब्रैकेट अगर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, ठीक है, या 5 है, कुछ हो सकता है, तो पहला जो होगा वो हमेशा x वैल्यू होगा। यहाँ माइनस अगर रहेगा तो माइनस होगा, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस होगा। मतलब x वैल्यू मतलब करने का मतलब क्या, x वाला इस डायरेक्शन वाला है ना बाबू, माइनस रहेगा तो माइनस वाला है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। तो फर्स्ट बाबू हमेशा क्या हो, फर्स्ट हम लोग क्या ऐसे लिखेंगे, ये लिखा ना बाबू, ठीक है सर। तो कोऑर्डिनेट में बाबू पहले हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट में बाबू क्या पहले रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इज कहने का मतलब क्या हो बाबू, कहाँ पे लिखे ये बाबू सिंबल, तो डायरेक्ट इज पहला जो वैल्यू होता बाबू एक्स वैल्यू होता, सेकंड मेरा क्या होता बाई वैल्यू होता है ना। पहला जो वैल्यू होता बाबू एक्स का वैल्यू होता, सेकंड मेरा बाई का वैल्यू होता। मतलब क्या सर, एक्स का वैल्यू मीन्स क्या, एक्स एक्सिस का वैल्यू, बाई का वैल्यू मीन्स क्या सर, बाई एक्सिस का वैल्यू, ठीक है ना। तो कहीं भी कोऑर्डिनेट में बाबू ऐसे लिखा हुआ, जैसे मान लो प्लस प्लस लिखा हुआ, मतलब इसका एक्स वैल्यू पॉजिटिव है और बाई भी वैल्यू पॉजिटिव है। कहीं भी बाबू माइनस माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब क्या सर, पहला वाला हमेशा एक्स होगा, तो एक्स वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू को हम लोग क्या पढ़ेंगे वो मैथ में कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सर, बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना। इसको वैल्यू करो बाबू ज्यादा या इससे ज्यादा बेटर बाबू, इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट बाबू क्या कहोगे बाबू, कोऑर्डिनेट क्या कहोगे बाबू, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट कहोगे है ना, ठीक है सर। बाई वैल्यू बाबू या इसको बाई कोऑर्डिनेट, हम लोग ज्यादा यूज करेंगे वर्ड बाबू कौन सा, कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट यूज करें, एकदम शांति से सीखो, शांति से सीखो, कोऑर्डिनेट है ना बाबू, कोऑर्डिनेट यूज करेंगे वर्ड है ना, ठीक है सर। तो कहीं अगर ऐसे बाबू मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर, पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है सर, पॉजिटिव, पहला हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स की वैल्यू, कहीं माइनस है और ये प्लस है, मतलब हमेशा फर्स्ट वाला जो रहेगा ना ब्रेकेट के अंदर बाबू वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट देगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, क्या होता है कोऑर्डिनेट बता रहा है, थोड़ा सा ये समझो ना कि ब्रैकेट में फर्स्ट वाला हमेशा एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को, और सेकंड वाला जो नंबर होगा हमेशा बाई कोऑर्डिनेट का, ये कन्वेंशन है, ये माना गया, ठीक है ना, ये कसम खाकर मैंने कसम खाकर याद कर, फर्स्ट बाबू एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड मेरा बाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ठीक है सर। तो ये प्लस प्लस है बाबू, हाँ इसको लिखना है बाबू, नोट वाला लिखना है, ये डाइटिज है बाबू है ना। देखो तो यहाँ पे बाबू क्या है, इस कोऑर्डिनेट में इस ये बाबू क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना बाबू, क्वाड्रेंट है ना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बाबू ये क्या होगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही ना, तो इसमें एक्स के सारे जो भी वैल्यू आएंगे बाबू पॉजिटिव आएंगे, बाई की वैल्यू क्या है ऊपर जाएंगे तो ऊपर निगेटिव, ऊपर भी क्या पॉजिटिव आएंगे। अब इधर जो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ है सर, ओरिजिन के लेफ्ट साइड है बाबू, सेकंड क्वाड्रेंट किसको कहें, ओरिजिन के ये वाला एरिया, तो ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड है। तो एक्स की वैल्यू क्या है सर, माइनस एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस है बाबू, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बाई वैल्यू तो बाई तो यही है ना बाबू, ये टोटल एरिया, सेकंड क्वाड्रेंट ये घिरा हुआ है, तो बाई का ऊपर वाला वैल्यू कौन सा, पॉजिटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट बाबू, तो थर्ड क्वाड्रेंट कैसे बन रहा है, ये माइनस एक्स एक्सिस से और ये वाला एरिया से बन रहा है, माइनस बाई एक्सिस है ना बाबू, तो इसमें बाबू क्या हो जाएगा, एक्स भी निगेटिव हो जाएगा और बाई भी निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्या होगा सोना बताए तो बाबू, फोर्थ बाबू क्या बाबू, प्लस माइनस, हाँ बाबू फोर्थ कैसे सर, हाँ बाबू फोर्थ कैसे, ये वाला है ना बाबू, इधर में कौन सा प्लस एक्स एक्सिस है, तो प्लस हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा, आई नीचे बाई ना बाबू, तो बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा है ना। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बाबू ये रिप्रेजेंट कर रहा है शैतान मेरे, पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करा बाबू, क्या रिप्रेजेंट करा बाबू, एक्स कोऑर्डिनेट को, ये क्या रिप्रेजेंट करा बाबू, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, देखो ना, इसलिए छोटा फिगर बनाइएगा ना बाबू तो हॉटस्पॉट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड टर्म बाबू, सेकंड वाला ये बाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। शर्मा, यस सर, समझ में आ रहा बाबू, हाँ सर, चलिए तो वीडियो ऑन कीजिए, लिखिए, अंशु जीत नहीं आया भलुक ना, अंशु जीत नहीं आया, लिखिए, मेरा बुक आ गया था, लीजिए बाबू,
स्क्रीनशॉट लेना लीजिए अपना, हम कितना करते हैं, लीजिए वो साइड हो जाता, पूरा साइड हो जाता। तो इतना बाबू आपको याद होना चाहिए। हो गया सर। हमारे पास स्केल उसके सब था, पता नहीं तो खाली होने से कहाँ सब सामान चल गया, बड़ा वाला स्केल ला खोजते हैं बाबू, सब चीज ला के रखे थे आप लोग के लिए, सब इधर उधर हो गया सामान से, सब लिख लिया। लिख लिया बाबू? यस सर। वेरी गुड बाबू। नहीं है क्या? नहीं है। चलो ठीक है बाबू, अब थोड़ा सा इरेज करते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलो बताते हैं बाबू, अब आगे बताते हैं ना, आगे बताते हैं। ठीक है बाबू, इतना सबको याद होना चाहिए, इतना सारे के सारे याद होना चाहिए, किसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, किसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, किसको थर्ड कहते हैं, किसको फोर्थ कहते हैं ना। ठीक है सर, उसके बाद वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे एक्स पॉजिटिव होगा कि बाई नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव हो, ये कंसेप्ट याद रखना चाहिए। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट बाबू एक्स के सारे वैल्यू पॉजिटिव, बाई के सारे वैल्यू पॉजिटिव है ना, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव बाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव बाई एक्सिस है ना, तो ये सारे कंसेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है सर, अब ये इरेज करते हैं बाबू, है ना, इरेज करते हैं। ठीक है, हाँ बाबू, तो यहाँ ओरिजिन है ना बाबू, ओरिजिन है ना, ओरिजिन मतलब क्या था बाबू, स्टार्टिंग पॉइंट होता, स्टार्टिंग पॉइंट होता, तो यहाँ पे एक और वैल्यू लिख लेना, ओरिजिन था बाबू। ठीक है, स्पेस होगा बाबू, तो फिर आप लोग सुंदर से करना, सुंदर से करना है ना, तो ओरिजिन बाबू यह स्टार्टिंग होता है, तो यहाँ पे बाबू ऐसे जीरो जीरो मतलब x की वैल्यू भी जीरो लेंगे बाबू, कहीं भी ब्रैकेट के अंदर तो पहला x वैल्यू होता है, दूसरा y वैल्यू होता है, y की कोऑर्डिनेट होता है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे बाबू, तो स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा जीरो माना जाता है, मतलब x की वैल्यू को भी जीरो लेंगे, y के वैल्यू भी जीरो लेंगे, x के कोऑर्डिनेट को भी जीरो लेंगे, y के कोऑर्डिनेट को भी जीरो लेंगे ना। अब यहां से इधर आगे मूव करेंगे बाबू, जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे x की वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज करते जाएगा, ये y की वैल्यू है, ऊपर मूव करेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा है ना बाबू, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होगा है ना। तो ओरिजिन को बाबू ऑलवेज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो जीरो से, मतलब ये स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है सर, क्वेश्चन था क्या था शैतान सर, कह रहे थे सर ये जो ओरिजिन वाला वैल्यू 1 2 3 4 आगे बढ़ेगा सर, तो सर ऊपर की ओर जाएगा तो y में जाएगा, y का वैल्यू होगा सर, और पॉजिटिव ना सर, वही नीचे जाएगा तो निगेटिव में वैल्यू आएगा। हाँ बाबू, नीचे जाएंगे तो निगेटिव में y के वैल्यू आएंगे, इधर जाएंगे तो निगेटिव में x के वैल्यू आएगा है ना, आएगा आएगा बता रहे हैं। चलो ठीक है बाबू, अब बाबू मान लो कि कोई पॉइंट को लोकेट करना है ना, कोई पॉइंट को लोकेट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस में है ना बाबू, कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ठीक है, ले इरेज़ कर देते कहले, सुम शैतान बढ़ते, एक मिनट में बंद हो जाएगा शैतान, पुनः कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू, अच्छी बात है। हाँ प्रकाश सिंह, बाल अरेंज कर लीजिए, बाले से तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश सिंह के सर में कितने बाल थे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, क्या नहीं सर, कंसेप्ट है, होमवर्क करके लाते नहीं हो बाबू, आपके पापा जी हमको बोल रहे थे कि होमवर्क वर्क करता, हम तो बोल दिए नहीं करता, सीधे बोल दिए नहीं करता, आपको पूछे ही होंगे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बाबू, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करो बाबू, वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो कैसे करना, ये क्या होगा प्लस